आगे बढ़ते हैं। हमने देखा मनी सिस्टम जब भी इन्वेंट होता है तो उसके अंदर एक तरफ रहते हैं हाउस होल्ड्स और सामने रहते हैं बिजनेस फॉर्म्स। ये हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल सप्लाई करते हैं, सामने बिजनेस फॉर्म उनको देता है प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट वेजेस डिविडेंड ये सब। और इस प्रकार जो ये मनी का पूरा सर्कुलेशन होता है उसमें जो बीच में मदद करने वाले लोग हैं इंटरमीडियरीज हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज FIs। और उनके फिर दो टाइप्स रहते हैं, एक तो बैंकिंग सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर हमने देखा था कि कैसे सप्लाई डिमांड के अंदर कुछ डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की समस्या हो सकती है, और उससे लड़ने के लिए RBI अपनी तरफ से क्या कर सकती है। हमने देखा कि अगर महंगाई से लड़ना हो तो RBI ने क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ऐसी मनी पॉलिसी को हम बोलेंगे टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी। और अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो सामने दाम एकदम नीचे भी गिर जाए, डिफ्लेशन हो जाए, वो भी इकोनॉमी के हक में नहीं है। ऐसे केस में हमें यहाँ जो करना है उसका ऑपोजिट करना है, या मनी सप्लाई कम करना है, हियर वी हैव टू इंक्रीज इट। टाइट मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी। और ये तो केवल पॉलिसी है, और पॉलिसी को अगर रियल लाइफ में लागू करना हो तो कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई स्कीम चलानी पड़ेगी, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ भी मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स रहते हैं, कुछ टूल्स जिनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स एंड सम ऑफ देम आर कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स हमने पिछली बार बात करी थी, एक बार ये भी रिकॉर्ड हो जाए अपना। CRR कैश रिजर्व रेशियो, सबसे पहले तो क्या होता है, पब्लिक पैसा जमा कराती है, दो टाइप का रहता है, टाइम लाइबिलिटीज एंड डिमांड लाइबिलिटीज, फिर वो कासा एंड FDRD वगैरह। अब ये पूरा जो पैसा आ रहा है उसका फिर हमने निकाला NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, और उसका 4% CRR में एक तरफ रख दिया, किसी को लैंड नहीं करना है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिर कुछ पैसा बैंक ने या तो कैश में रखे एक तरफ, या गोल्ड में इन्वेस्ट करे, या फिर RBI अप्रूव सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो रहती है, वहां पे आप 22% वहां पे रखना है, या थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। उसके बाद बात करी थी बैंक रेट की, RBI किसी बैंक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन में पैसा देता है तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। और उसका रेट हमने देखा था पहले 9% चल रहा था, उसे घटा के कर दिया 8.75। रेपो रेट की बात करी थी कि RBI जब शॉर्ट टर्म के लिए अपने क्लाइंट्स को पैसा देता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट बनता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और इसमें अंदर हमने ये भी बात करी थी कि SLR कोटा वाली सिक्योरिटी हम यूज नहीं कर सकते। अगर SLR कोटा वाली सिक्योरिटी यूज करनी हो तो बैंक ने फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटी किसे उपलब्ध है, केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ही। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है, ये हमने देखा। अब इन सारे हथियारों को यूज करके महंगाई से कैसे लड़ना था, वो रेडी रेफरेंस अपना टेबल हमने बना दिया था। महंगाई से लड़ना है टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी, इसमें क्या करेंगे, CRR SLR यूज करना है तो उन दोनों को आप बढ़ा दीजिए, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना चाहिए, राजन भाई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने के लिए रखनी चाहिए तो पब्लिक पैसा उनकी तरफ आएगा और अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगा। पॉलिसी रेट मतलब अपना रेपो रेट, उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसे बढ़ाइए तो भी मनी सप्लाई पे वो कमी दिखाएगा। और जो यहाँ पे करना है, यहाँ तक अपना टेबल याद रहेगा, तो फिर डिफ्लेशन में इसका ऑपोजिट ही लिखना, इंक्रीज तो डिक्रीज, सेल तो बाय, इंक्रीज तो, और उस प्रकार से आप पूरे MCQ वगैरह सेट कर सकते हैं। अब ये तो सवाल, हाँ, कि ये क्वांटिटेटिव टूल्स है तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि मनी सप्लाई अगर बढ़ाना है कम करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभी सप्लाई कितना है, राइट, फिर हम तय कर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की, ये RBI तय कैसे करती है कि सिस्टम के अंदर पैसा कितना है, रिजर्व मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, M0, M1, M2, M3, M4, ये पूरी बात है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल इतना याद रखना होता है MCQ के लिए, एक तो इनका फॉर्मूला क्या है ये, और लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम। इससे ज्यादा डिटेल में कभी MCQ में पूछा नहीं गया, मुख्य परीक्षा में ये आपको परेशान करने वाला नहीं है, इंटरव्यू में भी इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं। तो बस ये जो रट्टा हमने माना है डेफिनेशन और लिक्विडिटी का, रटाफिकेशन शुरू करते हैं। M0 का मतलब होता है, याद रख लीजिए, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी, M0 रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी। अब ये चीज क्या है, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। एक तो सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है, एक, प्लस बैंकर्स की RBI में डिपॉजिट कितनी है, नंबर टू, और नंबर थ्री की RBI में अदर कोई डिपॉजिट कितनी है। इन तीनों का आप एडिशन करेंगे तो आपको जवाब मिल गया M0 या रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। ये केवल इक्वेशन याद रखना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, M0 से आगे M1 क्या चीज है। M1 का मतलब होता है नैरो मनी। नैरो मनी का फॉर्मूला याद रखने के लिए,
एक तो जनता के पास कितनी करेंसी है फर्स्ट थिंग, और बैंकों के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, क्या एग्जांपल है उसके, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, मतलब जनता के पास कितना पैसा वत्ता बैंकों के पास कितना करंट अकाउंट कितना सेविंग अकाउंट, प्लस कर दिया तो हमें क्या जवाब मिलेगा, एम वन या फिर नैरो मनी। अब यहां से सीधा ये तो डिमांड डिपॉजिट थी राइट, और दूसरी टाइप की रहती है टाइम डिपॉजिट, कौन सी वाली, एफडीआरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो मतलब ये डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट करेंगे हम तो ये पूरे का जवाब हमको मिल जाएगा एम थ्री, जिसको ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे तो याद रखना काफी मुश्किल है, इसलिए इस प्रकार के कुछ पिक्चर के जरिए मैं अभी याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक के पास जनता कितना प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ये तीनों करो तो अपने को मिलता है एम थ्री ब्रॉड मनी। और ये भी मैं कैसे याद रखता हूँ एम थ्री, तो ये थ्री में कैसा, ये बी बन रहा है राइट, और फिर यहाँ डंडी जोड़ दी तो बी हो गया, तो ब्रॉड मनी। हाँ, कोई ना कोई तुक्का जोड़ के हमने तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, एम थ्री इज ब्रॉड मनी, एम थ्री ब्रॉड मनी है तो हाँ फिर मतलब कि एम वन नैरो होना चाहिए। अब ये वाला पोर्शन इस पे ही फोकस करिए, एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारी उनकी भी स्कीम्स चलती हैं, कुछ सेविंग टाइप की रहती हैं, कुछ रिकरिंग में पैसा डाल दिया, कुछ टाइम प्रकार की, इतने समय बाद आपका पैसा मैच्योर होगा। हमने क्या करना है, एम वन मतलब ये पोर्शन प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग अकाउंट टाइप की डिपॉजिट है वो, इनको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम टू। एम वन देख लिया, एम थ्री देख लिया, एम टू, अब लास्ट में क्या बचेगा, एम फोर। एम फोर कैसे याद रखेंगे, ये वाला पोर्शन एम थ्री और पोस्ट ऑफिस की टोटल ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, मतलब सेविंग वाले भी आ गई और जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है टाइम मैच्योरिटी वाले, वो सभी को आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा अपना एम फोर। ठीक है, एम वन याद रखना है और उससे सीधा तुरंत एम थ्री फिर एम टू एंड यहां से एम फोर। अब एक सवाल ज्यादा से ज्यादा ये पूछते हैं कि ये फॉर्मूला इसका इसमें डाल दिया है ट्रू एंड फॉल्स टाइप स्टेटमेंट। सेकंड इज कि लिक्विडिटी किसकी सबसे ज्यादा किसकी कम होती है, मोस्ट लिक्विड क्या होगा, कैश, तो कैश कहां पे है, ये करेंसी भी जनता है ना, तो एम वन इज मोस्ट लिक्विड और लिक्विडिटी सबसे कम रहती है यहाँ एम फोर में। अब आप एम फोर में देखिए एम थ्री भी है और एम थ्री के अंदर टाइम डिपॉजिट वगैरह क्या है, कुछ समय के बाद वो मैच्योर होगी, तब तक आप वो निकाल नहीं पाएंगे और निकालेंगे तो कुछ अपना पैसा कट जाए, तो इन हिसाब से इसकी लिक्विडिटी सबसे कम है, मैक्सिमम एम वन की है। तो मतलब लिक्विडिटी के अंदर अरेंज करने को आपको बोले तो मैक्सिमम लिक्विड इज एम वन, देन एम टू, देन एम थ्री एंड देन एम फोर। आप एक बार देख लीजिएगा घर वापस और फिर सीधा प्रीलिम के मतलब एक रात पहले ये वापस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसकी यूटिलिटी कोई है नहीं। अब इस प्रकार से जो पहले तो मनी सप्लाई राजन भाई कैलकुलेट करेंगे कि अभी इतना है, और उनके पास भी वो पूरे मैथमेटिकल मॉडल्स रहेंगे कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ाऊं तो यहाँ पे कितना प्रोजेक्शन बढ़ के दिखेगा मनी सप्लाई का, या कम होगा और उस पे डिमांड में क्या होगा, सप्लाई इक्वेशन ग्राफ वो वगैरह बना के वो क्वांटिटेटिव टूल्स अपने यूज करते थे। क्वांटिटेटिव टूल्स हमने देखा था रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड पॉलिसी रेट, मतलब अपना रेपो रेट। ये सारे टूल्स को ऐसा भी बोलते हैं जनरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जनरल क्यों, यहाँ पे आप कोई भी फर्क लाएंगे तो उसका असर सभी क्षेत्रों में आपको दिखेगा, होम लोन्स में भी दिखेगा, एजुकेशन लोन में भी, एग्रीकल्चर में तो नहीं लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह सभी जगह पे। यहाँ पे राजन भाई ने अपना रेपो रेट चेंज कर दिया, नीचे बैंक अपना बेस रेट अपने हिसाब से चेंज करेंगे और बेस रेट जैसे ही चेंज होगा तो अपने आप होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन वो अपने आप बदलते रहेंगे। इस कारण इनको बोलते हैं जनरल टूल्स। ये इनडायरेक्ट टूल्स भी हैं, इनडायरेक्ट इसलिए वहां अगर इनमें कुछ भी बदलाव लाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत नीचे कुछ हो जाए, उसकी बीच में बैंक रहता है। हमने जो देखा था कि राजन भाई रेपो रेट को कितना भी ऊपर नीचे करे, बैंकों के लिए मेन सप्लायर कौन था, मनी का, आलोकनाथ, राइट। तो उस कारण से ऐसा नहीं है कि कल अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो आज सारी बैंकें अपना लोन रेट्स कम कर देंगी, समय लगता है, इनडायरेक्टली उसका असर एंड पर्सन को देखने को मिलता है। तो दिस आर ऑल क्वांटिटेटिव टूल्स, जनरल टूल्स या फिर इनडायरेक्ट टूल्स। उसके सामने अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ काम करना हो तो क्या करेंगे राजन भाई, उसके लिए उनके पास कुछ हथियार रहते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स या फिर सिलेक्टिव टूल्स या फिर डायरेक्ट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक एक करके ये हम देखते हैं। सबसे पहला ये क्वालिटेटिव टूल है, उसको बोलेंगे लोन टू वैल्यू रेशियो, LTV। समझते हैं, अक्षय कुमार की फिल्में
चलती नहीं, तो मान लीजिए कि उसे बहुत कर्जा हो गया और वो ट्विंकल खन्ना के सारे गहने 1 लाख रुपए के लेके आए हैं, और किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम गोल्ड लोन में वो 1 लाख रुपए की कीमत के गहने रखेंगे, तो क्या वो सामने वाला उसे 1 लाख रुपए देगा लोन में? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने तय किया है लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर मान लीजिए ये बोल दिया है राजन भाई ने 60%, तो मतलब कि अगर ये 1 लाख रुपए के गहने जमा कराएंगे तो ये इन्हें कितना लेंड करेगा? ओनली 60,000 रुपीज। अब किसी केस में मान लीजिए बहुत डिफ्लेशन चल रहा है या फिर रिसेशन का माहौल है और राजन भाई चाहते हैं कि लोगों के हाथ में और पैसा आ जाए और वो और खरीदारी करें, होम लोन से ऑटो लोन से एवरीथिंग, ताकि नया डिमांड दिखे मार्केट में, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करे, लोगों को नौकरी मिले, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी अच्छा दिखाई दे, अगर ऐसा कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए? इसको वो ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर ये 60% था उसे बढ़ा के 85% कर दिया तो क्या होगा? जो पहले ये साधु यादव 60,000 दे रहे थे अब कितने देंगे? 85,000। तो अक्षय कुमार को पहले से ज्यादा पैसा मिला है, ही कैन परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन अवर जीडीपी और वो सब बातें। पहला कंसेप्ट क्लियर है, लोन टू वैल्यू रेशियो अक्षय कुमार को हम याद रखेंगे। अब उसी को मेरे आपके जैसे लोग तो जाएंगे एनबीएफसी में, ये मान लीजिए कुछ गोल्ड वगैरह गिरवे रख दिया, कंपनी वाले भी कभी कभी एनबीएफसी में जाके उधार लेते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज, कुछ शेयर्स, बॉन्ड्स, ये कुछ गिरवे रखेंगे। यहाँ पे भी अगर राजन भाई चाहे तो रिसेशन के वक्त कर सकते हैं कि वो वहां पे भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दें कि 65 हो, उसके बजाय करते 85%, तो शेयर का मतलब इस तारीख को इतना भाव चल रहा है या ये सेगमेंट है, तो उसके अनुपात में पहले से ज्यादा उसे लैंडिंग में पैसा मिलेगा, ताकि वो अपने बिजनेस को वापस जो भी वर्किंग कैपिटल उसे चाहिए वो लेकर बिजनेस आगे एक्सपांड कर सके। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से सिलेक्टिव टूल है। किसी एक एनबीएफसी के अंदर भी ये जो गोल्ड लोन वगैरह के सामने जो दे रही है ऐसी कंपनियों को ये टारगेट कर सकते हैं राजन भाई। इट इज डायरेक्ट, क्योंकि जब बोलेंगे कि इतना देना है देन इट विल डायरेक्टली शो द इम्पैक्ट कि इतना ही देना है। रेपो रेट वगैरह में क्या होगा, रेपो रेट वो उन्होंने कम किया, फिर वो तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे हो कि वो अपना बेस रेट कम करे, अपने लोन इंटरेस्ट रेट कम करे। देयरफॉर फर्स्ट टूल जो था अपना लोन टू वैल्यू रेशियो या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्टिव या फिर डायरेक्ट इफेक्ट ये देगा। अब तक हमने क्या बात करी, ये लोन टू वैल्यू रेशियो की, ये अपना फर्स्ट क्वालिटेटिव टूल था। अभी सेकंड क्वालिटेटिव टूल का नाम है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, समझते हैं। डाउन पेमेंट सिस्टम से आप वाकिफ हैं, अगर ये अपनी नैनो कार 1 लाख में मिलती है, अगर कोई बैंक वाला ये विज्ञापन देता है कि डाउन पेमेंट इज 30% एंड वी विल टेक केयर ऑफ रिमेनिंग फाइनेंस, तो मतलब क्या हुआ, 30,000 आप निकालेंगे और 70,000 दे विल गिव यू एज लोन, ये हो गया। अब आप समझिए कि 30,000 डाउन पेमेंट करना है तो एक मिडिल क्लास फैमिली सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे परचेस करने आएंगे। अब यहाँ पे भी अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी मंदी देखने को मिल रही है और राजन भाई चाहते हैं कि मैं इसे इम्प्रूव करूं, तो वो क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई बैंक चाहे तो ऑटो लोन के लिए 10% तक डाउन पेमेंट करवा सकते हैं। मतलब आपने जो पहले 30,000 अपनी जेब से निकालने थे, नहीं, अब केवल 10,000 निकाली और बाकी का 90,000 बैंक आपको देगी, तो क्या होगा, पहले से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली दे विल कम टू गेट द ऑटो लोन्स, बराबर, तो वापस अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तेजी दिखने को मिलेगी, एक्सपांशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से डिफ्लेशन रिसेशन से सामने हम लड़ सकते हैं। ये तो डाउन पेमेंट, उसी प्रकार एक एक इंस्टॉलमेंट अपना जो रहता है वो भी आरबीआई तय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ए के अंदर आरबीआई ने ये बोला है कि किसी भी लोन के लिए मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो 10,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कैसा कोई एक लोन प्रोडक्ट है जहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके आपने 1 लाख रुपए वापस करने, तो क्या होगा, 10,000 के 10 हफ्ते आपने देने हैं, तो यहाँ पे कौन लोन लेने आएगा, ऐसा कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति जिसकी कम से कम मंथली सैलरी 30-40,000 की होगी, राइट। अगर उसे आरबीआई नोटिफाई कर दे कि नो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप चाहें तो 1,000 रुपए तक का भी बैंक चाहे तो करवा सकती, तो इस केस में अब 1,000 रुपए के 100 इंस्टॉलमेंट आपने देने, तो अब जो पहले मिडिल क्लास वाले आते थे जो 30,000 इनकम ग्रुप वाले, उससे घट के अब इवन लोअर मिडिल क्लास वाले जो भी लोग हैं वो भी आ जाएंगे, कार की बिक्री में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या है, सिलेक्टिव है, डायरेक्ट है। सिलेक्टिव इसलिए, एक फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल के लिए राजन भाई ऐसा नोटिफाई कर सकते हैं, इसके फायदे हैं, टैक्सी और ऑटो इनकी सेवा ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जो बुलडोजर और ऐसी हैवी मशीनरी है वो भी सस्ती हो जाए, कुछ और एंटरप्रेन्योर इसमें आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमको मदद मिले, तो ये सिलेक्टिव है। हाँ, डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्यों है,
आपको तुरंत फर्क दिखने को मिल जाएगा कि इंस्टॉलमेंट पहले इतना था, अब मेरे को इतना देना पड़ता है, डाउन पेमेंट ये था, ये हो गया। तो अब तक जो हमने बात करी क्वालिटेटिव टूल्स में, एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या लोन टू वैल्यू रेशियो, अक्षय कुमार को आप याद रखेंगे। सेकंड इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इसमें क्या करेंगे आप नैनो कार को याद रखेंगे तो अपने आप वो कंसेप्ट याद आ जाएगी, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टूल है रेशनिंग। रेशनिंग का आप मतलब समझते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए बीपीएल कार्ड है, अपना बाजार वगैरह में आप जाएंगे राशन की दुकान पे, तो कुछ किलो गेहूं, कुछ किलो चावल, कुछ किलो तेल, ये आपको कम दामों में दिया जाएगा, दैट इज वन टाइप ऑफ रेशनिंग। तो ये प्लांट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोवियत इकोनॉमी के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोविजन रहते हैं। रशिया के अंदर ये सिस्टम था, उन्होंने सीलिंग बना दी हर एक कि हैवी इंडस्ट्री को आपने कम से कम इतना तो देना ही है, प्राइवेट कंज्यूमर को इससे ज्यादा लोन नहीं देना है। इस प्रकार से एक एक सेक्टर के अंदर कितना लोन जाना चाहिए वो उनकी सेंट्रल बैंक तय करे, तो एक प्रकार का ये क्रेडिट रेशनिंग है। प्लांट इकोनॉमी और सोवियत इकोनॉमी में ये देखने को मिलता है। अपने भी यहाँ ऐसा कुछ पैरेलल सिस्टम तो देख है ही, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऐसा करके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर क्रूड शब्दों में एक्सप्लेन करना हो, बैंक पूरे साल में जितना पैसा लोन में घुमा रहा है उसका 40% सर्टेन प्रायोरिटी ग्रुप्स को मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स है, स्मॉल इंडस्ट्री है, होम लोन अप टू 10 लाख रुपीज, एजुकेशन लोन, ये वो करके मैं अपनी बैंक का 100 करोड़ घुमा रहा हूँ तो 40 करोड़ ऐसे लोगों को मेरे को देना है। अगर इसके अंदर ये हथियार यूज करके राजन भाई चाहे मुझे कुछ इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट लाना है तो वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बढ़ा के मैं करता हूँ 60% और प्रायोरिटी सेक्टर केवल एक ही है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ताकि वो मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर भी मदद मिले, एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से लोन मिल सके, ये वो ये कम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव टूल है एक प्रकार का क्रेडिट रेशनिंग, ये भी सिलेक्टिव है। हाँ राजन भाई बोल सकते हैं इस वाले सेक्टर में आपको इतना लोन भेजना है वगैरह, डायरेक्ट है, हाँ उस सेक्टर में आप काम करेंगे आपको तुरंत असर देखने को मिल जाएगा। कंसेप्ट को याद रखने के लिए ये स्टालिन का पोस्टर आप याद रखिए, स्टालिन मतलब सोवियत इकोनॉमी और उसके अंदर ऐसी रेशनिंग वगैरह चलता था। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जरा एमसीक्यू में वापस परेशान करता है, फैक्ट थोड़े याद रखने हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो मैंने क्रूड शब्दों में आपको बताया कि पूरे साल में जितना लोन घूम रहा है उसका 40% जाना चाहिए कुछ सेक्टर में। टेक्निकली ये कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का इतना परसेंट वगैरह, ये तो कोई पूछता नहीं, एएनबीएफसी और ऐसे लॉन्ग फॉर्म, केवल याद रखना कि एनुअल इतना जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फर्क है, कोई भी इंडियन बैंक मतलब देसी बैंक या फिर ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी भारत में 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, ऐसे लोगों को अपनी एनुअल लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। उसके सामने ऐसी फॉरेन बैंक्स जिनकी भारत में 20 से कम ब्रांचेस हैं, उन्हें अपनी पूरे साल की जितनी भी लोन जा रहे उसका 32% प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। इंटरनल भी कंपोनेंट है कि ये जो अपनी इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ऐसी जिनकी 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, उन्होंने एनुअली 80% उनका लोन जाना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर और डेयरी, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग, ये सब मिला के 80%। वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, वीमेन, डिसेबल्ड, इनको मिला के 10% यहाँ पे जाना चाहिए, और बाकी 40 तक पहुंचने के लिए जितना भी चाहिए कुल मिला के आपने 40% इन सबको देना है। ये रिमेनिंग कैटेगरी में आप दे सकते हैं कि हाउसिंग लोन अप टू 10 लाख रुपीज है, एजुकेशन लोन है स्मॉल इंडस्ट्री को, इनको बाकी का लोन दिया, कुल मिला के अपना कोटा आपने 40% पूरा करना है। सामने जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से भारत में ब्रांचेस कम है, उनको ऐसे स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिए गए, केवल कि जितने भी एनुअल आप दे रहे हैं उसके 32% प्रायोरिटी सेक्टर में आप दें। स्पेसिफिक टारगेट नहीं देने का भी कारण है, आप सोचिए जिसकी 19 मैक्सिमम ब्रांचेस है तो कहां पे होगी, पॉश एरिया में सैटेलाइट नवरंगपुरा, तो वो किसान को कहां पे ढूंढता फिरेगा। 2013 की यूपीएससी में बहुत आसान सवाल पूछा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू, मतलब ये लैंडिंग में देते हैं तो किसको देते हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ अबोव। बहुत आसान है, ऑल ऑफ अबोव डी। अब सवाल होता है कि ये जो अपने को कोटा दे दिया 40% या 32%, अगर किसी बैंक ने वो पालन नहीं किया उस कानून का या नियम का तो क्या करेंगे, उसे कुछ पेनल्टी टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले अपनी ये जो इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ऐसी जिनकी 20 या 20 से भारत में अधिक ब्रांचेस हैं, इन पे क्या नियम लागू होता है अगर ये अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने साल में 100 करोड़ की लोन घुमाई, 40 करोड़ मैंने इनको एग्रीकल्चर वगैरह को देना था और मैं केवल 30 करोड़ ही दे पाया, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 10 करोड़।
ये 10 करोड़ क्या करना पड़ेगा, एक फंड है RIDF, वहां पे ये पैसा दे देना है। RIDF का फुल फॉर्म होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको नाबार्ड मैनेज करता है। अब सवाल होता है इसमें ये क्या आगे पैसा कहां जाता है। अपनी ये जो नर्मदा कैनाल बन रही है और कच्छ के अंदर इसका जो एक्सपांशन करना है, तो नाबार्ड ने राज्य सरकार को ये पैसा दिया है, बट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन में 20-30 साल बाद वो पूरा 500-600 करोड़ आपने वापस करने हैं। तो मतलब राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा यहां से दिया जाएगा और राज्य सरकार ने वो वापस भी देना है, हाँ, उस पे ब्याज भी देना है, हाँ, लेकिन काफी लंबा पीरियड रहता है। तो आप अगर सोचिए एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन किसी को दिलवा दिया कैनाल बनाने का किसी राज्य स्टेट को, 8% ब्याज पे वो आप 20 साल के बाद वो आपको पैसा वापस करेगा। इससे बेटर तो ये होगा कि बैंक किसी एजुकेशन लोन वाले को पकड़ ले और 12-15% पे उसको दे दे, है ना, तो फिर 2-3 साल में वापस रिकवर आ जाएगा, वो पैसा वापस सर्कुलेट करे। तो मतलब ये जो एक मैकेनिज्म है, इससे इंश्योर ये होता है कि ज्यादातर बैंक वाले क्या करते हैं, पुश करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा चला जाए, नहीं तो फिर ये वाला मैकेनिज्म तो है। अब सवाल होता है कि देसी बैंक को इतना है, फॉरेन बैंक्स 20 या 20 से ज्यादा ब्रांच वाली को ये, तो ऐसी फॉरेन बैंक्स जिनकी भारत में 20 से कम ब्रांच है उनके साथ क्या होता है, अगर वो अपना कोटा पूरा ना कर पाए तो उन्हें अपना पैसा देना पड़ता है SEDF को। SEDF का मतलब है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड, और इसको मैनेज करता है SIDBI, जैसे वहां पे नाबार्ड था यहाँ पे SIDBI, और यहाँ से भी नीचे फिर स्टेट के जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं और स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना, ये वो करके पैसा जाता है, लॉन्ग टर्म में आपको वापस मिल जाएगा। एक टेबल आप कंपैरिजन में याद कर लीजिएगा कि इंडियन बैंक्स को क्या होता है, फॉरेन बैंक्स को कहां से कहां पैसा जाता है, ये वो। अब सवाल होता है कि ये पूरा सिस्टम लागू किसको पड़ता है, इंडियन बैंक्स को लागू पड़ता है, फॉरेन बैंक को, कोऑपरेटिव को लागू पड़ता है कि नहीं, देखते हैं। वापस अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक एंड नॉन बैंक्स, नॉन बैंक वालों को प्रायोरिटी सेक्टर वाला कोई भी मुद्दा लागू नहीं पड़ता है। और बैंकों के अंदर आप फर्दर क्लासिफिकेशन बनाए तो बैंक दो टाइप की रहती है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक जहां पे गवर्नमेंट इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पे सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है। फॉरेन बैंक्स मतलब कोई फॉरेन एंटिटी जो उनकी यहां पे सब्सिडियरी ऐसा बना के चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिटी ग्रुप है, HSBC हांगकांग एंड शंघाई, ठीक है, और एक होती है रीजनल रूरल बैंक्स RRB। इन सब कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स लागू पड़ते हैं, PSL अप्लाइज। और जो फॉरेन बैंक है उसके अंदर 40% हो सकता है या 32%, इट डिपेंड्स कि आपकी भारत में कितनी ब्रांच है, 20 या 20 से अधिक है या 20 से लेस है, कमर्शियल वाला ये मुद्दा। और उसके ऑपोजिट ये सारी जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर आती है अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑपरेट करती है सेंट्रल कोऑपरेटिव, और ग्रामीण इलाकों में जो हम मंडली या सोसाइटी बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज PACS, ये सारी कोऑपरेटिव बैंक्स है और इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स लागू नहीं पड़ते। क्यों? ये तो कोऑपरेटिव है खुद ही, मतलब वीकर सेक्शन को और एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं, तो इन पे ये लागू नहीं होते, नॉर्म्स लागू पड़ते हैं इन पे, ये MCQ के लिए आप याद रखिए। क्वालिटेटिव टूल्स की हम जो बात कर रहे थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट अक्षय कुमार, ठीक है, कंज्यूमर क्रेडिट नैनो कार, क्रेडिट रेशनिंग की अपना स्टालिन का पोस्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स 40 और 32। ये आगे बढ़ते हैं, अब दो जो बाकी है, मॉरल सुएशन। राजन भाई कई बार ये यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में जाते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वहां पे वो हमेशा बोलते रहे मेरा प्रोजेक्शन ये है, ये प्रकार से कुछ GDP इतना बढ़ेगा मुझे आशा है, राइट। तो ये और उसके अलावा भी सभी बैंकर्स की वो अपनी तरह से सेमिनार कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखते हैं और इनडायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, देखिए मैंने तो अपना रेपो रेट इतना घटा दिया है एंड आई एक्सपेक्ट कि अब बैंक वाले भी ऐसा कुछ अपने लोन रेट्स कम करेंगे, तो मतलब के पची जी बे आंखों नी शर्म नड़ी जाए कोई एक व्यक्ति, है ना, कि उनके आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम कोई एक बैंक तो कुछ काम कर देगा, वो पूरा जो सिस्टम है मॉरल सुएशन। और अंत में डायरेक्ट एक्शन कि कोई बैंक कुछ बात नहीं मान रहा है, कुछ इरेगुलरिटी कर रहा है, देन देयर विल बी डायरेक्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल हम याद करें CRR SLR अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आप पे पेनल्टी लगती है, बैंक रेट प्लस 3%, बैंक रेट प्लस 5%, वो क्या है, पूरा डायरेक्ट एक्शन है। 95 में एक इजी सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड कैश रिजर्व रेशियो। जवाब क्या होगा, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक।
शब्द क्या है सिलेक्टिव, उसने ये नहीं बोला क्वालिटेटिव, इसलिए मैंने आपको उसके सिनोनिम्स भी बता दिए, क्वालिटेटिव डायरेक्ट सिलेक्टिव। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, तो उसमें हम नैनो कार को याद करें, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट स्टालिन का पोस्टर, मार्जिन रिक्वायरमेंट अक्षय कुमार, तो ये तीन तो निकल गया, तो बचा कौन, सीआरआर। सवाल आसान है लेकिन क्या एक बार अपने पास डेटा होगा तो ये तो एक फैक्चुअल सवाल है, सिलेक्टिव का अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे याद होंगे तो ही ये काम होगा। 2012 में एक सवाल निकला था, आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, आरबीआई को बोलते हैं कि वो बैंकर्स का भी बैंक है, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अन्य बैंक अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करती है, रखती है। आरबीआई लेंड्स द फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द टाइम्स ऑफ नीड, कि कमर्शियल बैंक वालों को जब जरूरत पड़ जाए तो आरबीआई वाले उनको पैसा उधारी में देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, आरबीआई एडवाइजेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, कि वो आर्थिक मॉनेटरी मैटर्स पे कमर्शियल बैंक को सलाह देते हैं। ऑप्शन फिर आपको दिए गए, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, 1 3, ऑल ऑफ देम। आप दिमाग में ये 20 सेकंड में आपको देता हूं, आप सोचिए क्या होना चाहिए। आप में से कितने मित्र इस सवाल को स्किप कर देंगे? अच्छा, कितनों को लगता है इसका जवाब ये होना चाहिए, बी, सी और डी? देख लेते हैं, एक एक करके एलिमिनेशन में या ऐसे जाना पड़ेगा। फर्स्ट जो है, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये स्टेटमेंट सही है। जो सीआरआर रखा जाता है, बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम कि वो बैंक का आरबीआई में डिपॉजिट है, उस पर आरबीआई उसको ब्याज नहीं देती है, तो उस कारण से प्रॉफिट नहीं होता, हमने आगे बात करी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो हमने क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना शुरू कर देना चाहिए कि स्टेटमेंट अपना ऑप्शन जो ये है ओनली 2 एंड 3, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 1। अब आगे बढ़ते हैं, आरबीआई लेंड्स द कमर्शियल बैंक्स इन द टाइम, ये तो सच्चा है ना, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म में कर दिया, अगर बहुत इमरजेंसी एमएसएफ में चले गए, लॉन्ग टर्म में देना है बैंक रेट से, आपने उनको इमरजेंसी में पैसा दे दिया, तो मतलब नंबर 2 तो होना ही चाहिए, तो बाकी बचे बी रहता, सी को एलिमिनेट कर देना पड़ेगा बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 2। अब जो पूरी दारोमदार या अल्टीमेट पॉइंट ये है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत। जो आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स है ना, जब ये असल में सवाल निकला, लोगों ने देखा परीक्षा में और बाहर आके बाकी लोगों ने जब सॉल्व करना शुरू किया, कई लोगों के दिमाग में एक डाउट हुआ, यहाँ पे शब्द क्या है, फोकस कीजिए, आरबीआई एडवाइजेस, आरबीआई सलाह देता है, तो कई लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, राजन भाई किसी को सलाह थोड़ी देंगे, वो तो ऑर्डर करेंगे, है ना, क्योंकि हमने अब तक जो बातें करी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये पनिशमेंट देंगे, अगर इतना पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे लगाना है, ठीक, तो ये इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने निकाला कि एडवाइस तो नहीं कर सकते वो, और फिर उस इंटरप्रिटेशन में उन्होंने जवाब अपना कर दिया बी। ये 2012 की परीक्षा के बाद उसका आंसर की आरटीआई से भी मिला और यूपीएससी वालों ने अपनी साइट पे भी रखा है, उसके अंदर जवाब उन्होंने बोला है कि ये टेस्ट सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 75 था और इसका आंसर है डी, कि आरबीआई उनको सलाह भी दे सकता है। सलाह कैसे दे सकता है, ये जो अपना फॉरेन सुएशन का पूरा फंडा चलता है, उसमें क्या होता है, राजन भाई सबको सेमिनार कॉन्फ्रेंसिंग में बेल बिठाते हैं, कुछ बातें करते हैं, और ये सही, अगर आप एकदम बैंकिंग के टेक्निकल कोर्स में जाए, फॉर एग्जाम्पल मनी एंड बैंकिंग बाय ई नारायण नादर, तो उसने ये लिस्ट करके दिया है कि ये वाला फंक्शन फीचर है एंड देयरफॉर बैंक आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। अब ठीक है, जब आंसर की मिल जाएगी तो हर एक आदमी फिर जस्टिफाई कर पाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है नहीं होता है। जब मैंने ये देखा तो मुझे भी डाउट हुआ था कि वेदर नंबर 3 इज राइट और रॉन्ग, इस कारण से जब परीक्षा में आपको डाउट हो जाए देन व्हाट शुड यू डू, बेटर के स्किप कर दें और बाकी के सवालों में इसे आप मार्क एंड रिव्यू में भी मत रखिए, क्यों, फिर अंत समय में तुक्केबाजी में फिर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो फिर हाँ यही होना चाहिए, गलत जवाब ठीक हो जाएगा। एनीवेज, तो अब तक अपने जो थियरी के अंदर सेकंड पिलर था अपना बैंकिंग सेक्टर, उसके अंदर हमने बात शुरू की थी मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने देखा रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सारे रेट्स। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, अक्षय कुमार, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, नैनो गाड़ी, रेशनिंग, स्टालिन का पोस्टर, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। अब नेक्स्ट जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे एक तो बैंकिंग सेक्टर के एवोल्यूशन की, कि पहले अंग्रेजों के जमाने में क्या था, आजादी के बाद क्या हुआ, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन करने की क्यों जरूरत हुई। नेशनलाइजेशन किया, फिर काफी उसमें
प्रॉब्लम्स आ गए उसका समाधान करने के लिए दो बार नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन वन एंड नरसिम्हन टू, तो वो क्या कह गए और उनके हिसाब से हमने क्या परिवर्तन लाए हैं। नई बैंकों को जो लाइसेंस दिया गया, बंधन, IDFC, फिर एक भारतीय महिला बैंक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अब जो लेटेस्ट में चल रहा है स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, इनका पूरा फंडा क्या है, और इन सभी के पैरेलल में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि गरीब लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबकी सुविधा मिलती रहे, सरकार अपनी तरफ से पहले कौन से कदम उठाए थे, और ये जो नया चल रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना और किसान विकास पत्र, ये सारी बातें हम करेंगे जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।